अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईएसपीआर की पूरी दुनिया में धूम। हाइब्रिड वार में पाक फौज ने भारत को पिछाड़ कर रख दिया। साबिक भारतीय जनरल का एतराफ, अपनी हुकूमत को आईना दिखा दिया। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हाइब्रिड वार में पाक फौज ने भारत को पिछाड़ कर रख दिया। भारत की चीखें पूरी दुनिया को सुनाई देने लगी। अब भारत के साबिक जनरल का एतराफ भी सामने आया है। भारत के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन ने 28 मार्च को बरतानवी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज से खिताब में एतराफ किया कि पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा आईएसपीआर ने हमें सिखाया कि मालूमात की फरामी क्या होती है। भारतीय साबिक कोर कमांडर शुमाली कमांड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हुसैन का कहना था कि भारत को इतलात के शोबे में आईएसपीआर ने पिछाड़ दिया और पाकिस्तान इतलात की जंग पूरी तरीके से जीत चुका है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने सिखाया कि इतलात के साथ कैसे खेलना है तो वह आईएसपीआर है। उनका कहना है कि कश्मीर में उठते जनाजे अस्करियत पसंदी की अरूज की है, आजादी पूरे कश्मीर में गूंज रही है, ताकत का इस्तेमाल इसका हल नहीं है। अगर शाम, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धमाके हो सकते हैं तो मकबूजा कश्मीर में पलवामा वाकये का भी कभी इम्कान था। वाज़ेह रहे कि पलवामा हमले के बाद भारतीय रवैये की वजह से पाकिस्तान और भारत जंग के दिहाने पर पहुंच चुके थे। और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।